जकरिया साहब, नौशाद साहब और इरशाद साहब और उसके साथ साथ में जावेद साहब, तमाम आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम आपके सवाल मैंने समझ लिए हैं। आपका ये कहना ये है कि ये जो अपोजिशन का जो कंक्लेव हो रहा है, जो मीटिंग हो रहा है, ये मजबूरी है या जरूरी है? देखिए, ये जरूरी है, मजबूरी नहीं है। हमें संविधान को बचाना है, संविधान के साथ साथ मुल्क को बचाना है। जब से ये सत्ता में पार्टी आई है, तब से इन्होंने पूरे माहौल को ख़राब कर दिया, आपसदारी खत्म हो गई, तमाम भारत के समाज में जो भाईचारगी थी वो ख़त्म हो गया। ये मजबूरी नहीं है, ये आज बहुत ज़रूरी है। और कहना कि ये फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, देखिए मैं बता दूं कि इससे बहुत बड़ा फ़ायदा, एक मैसेज जा रहा है। 75 में भी पार्टी आई है और उसी के साथ साथ जहाँ जहाँ भी किसी प्रदेश का माहौल हुआ है, तो वहाँ की तमाम अपोजिशन पार्टीज ने मुतहद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आके काम किया है। और आज के डेट पे जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, इनको तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे आके कॉमन एजेंडा बना के इनको काम करने कराने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हाँ, इतना जरूर है कि चैलेंजेस जो है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो उसको बड़ा दिल रखते हुए लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए। और अकोमोडेट करने के साथ साथ में एक बड़े ब्रदर का रोल अदा करना चाहिए। जो भी रीजनल पार्टी हैं, जैसे कि ममता जी हैं बंगाल में, हैं उधर केजरीवाल साहब हैं, उधर के सीआर हैं, उनको सबको लेके चलने की ताकत होनी चाहिए और उनकी भी बात सुननी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का आज देखा जाए तो कर्नाटका के चुनाव के बाद उनका जो है मोराल बहुत ऊँचा है और वो उनको जो है मूड जो है अपबीट है और उनको ये चांस है। नहीं, देखिए इनके डिफरेंसेज है, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जो हैं अपने दिल्ली में जो पोजीशन, जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आने के बाद जिस तरह से ऑर्डिनेंस लाया गया है, केजरीवाल साहब को कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। अजय माकन जो अपोज कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पोजीशन ख़राब हो रही है। हालांकि केजरीवाल साहब ने भी 370 के मामले पे चुप्पी साध रखी थी और उसको फेवर किया था। आज तक जितने भी ऑर्डिनेंस, जितने भी एक्ट लाए चुपके चुपके बीजेपी ने, उससे समाज को, भारतीय समाज को कोई फायदा नहीं हुआ सिवाय डिवाइड करने के लिए। 370 पे, ट्रिपल तलाक पे किसी ने अपोजिशन पार्टी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और ये सिर्फ डिवाइड करने के लिए, पोलराइजेशन के लिए कांग्रेस, उसे बीजेपी ने जो सत्ता रूलिंग पार्टी उसने किया है। और इनको जो है किसी न किसी तरह से हर हालत में, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी को, केजरीवाल को और उसके साथ साथ केसीआर को, या जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उनको और साथ मिलाना चाहिए। हालांकि आज के डेट पे जो है 21 पार्टियां जो है एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है और ये जरूरी है। सवाल है इसमें जी, कांग्रेस को कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना? देखिए कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस, देखिए कांग्रेस को जो आप बात करें, जाहिर कांग्रेस तो चाहेगी कि भाई हम लोग सबको सपोर्ट कर, हमको 545 जो 542 सीटों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनको स्टेट में जो रूल कर रही है उनको बड़ा से होना चाहिए। जैसे बंगाल का मामला है तो बंगाल में ममता बनर्जी जी को, उनको जो है कांग्रेस को दिल बड़ा करके उनको लाइन शेयर होना चाहिए। उसी तरह से नीतीश को और उसके साथ साथ में तेजस्वी यादव को बिहार में उनको बड़ा से होना चाहिए। अगर रूलिंग पार्टी आती है जैसे कि केसीआर को उसको बड़ा से होना चाहिए। उसी तरह से आपको उड़ीसा में नवीन पटनायक जी है तो उनको बड़ा दिल दिखा के करना चाहिए। टोटल जो है आज की डेट में देखा जाए तो 542 जो सीटें हैं उसमें से मैं समझता हूं कि कांग्रेस को किसी भी कीमत पे 300 से लेकर 325 पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी अपोजिशन पार्टी को, खास करके रीजनल पार्टीज जो है जो स्टेट में रूल कर रही हैं, उनको ये जगह छोड़ देना चाहिए, ये मेरा कहना है। और जब तक बड़ा दिल नहीं दिखाएगा कांग्रेस, कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हर हाल में जो बीजेपी का जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या बीजेपी का जो आईटी सेल है, तमाम तरह के गलत प्रोपेगेंडा करके, तमाम तरह की जो है मिस इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेंड करके वो आपस में फूट डालने की कोशिश करेंगे और कर भी रहे हैं। तो पीएम के चेहरे के बारे में देखिए, पीएम का चेहरा तो भाई ये जो मेजॉरिटी में आएगा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पास पीएम का चेहरा कौन होगा, पीएम का चेहरा कौन होगा, तमाम तरह की बात उठाई जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल जगह देखा जाए तो, अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार जिसने ये शुरुआत की उसका भी नाम होना चाहिए। मैं तो चाहूँगा कि भाई एमके स्टालिन जिस तरह से वो खुल के संविधान को बचाने की बात करते हैं और उसी तरह से कॉस्ट सेंसस की बात करते हैं और उसी तरह तमाम जो है SC ST और मूल निवासियों की, जो यहाँ पे जो ओरिजिनल लोग हैं उनके हित की बात करते हैं, तो एमके स्टालिन भी है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं और उसके साथ साथ पे देखा जाए तो नीतीश कुमार है। और इसमें भी मैं बता दूँ कि नेहरू परिवार का किसी भी आदमी को एज ए पीएम कैंडिडेट को, खासकर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है अपोजिशन को ब्रो बीट करने का बहुत अच्छा मौका देता है। हाँ,
अगर थम्पी मेजॉरिटी के साथ अगर कांग्रेस पे आते हैं तो मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं राहुल जी बने और क्यों नहीं सोनिया जी बने। लेकिन ऐसे हालात में चूंकि संविधान को बचाना है, भारत को बचाना है और भारत के साथ साथ भारत के समाज की जो आपसदारी खत्म हो गई, भाईचारगी खत्म हो गई है, समरसता खत्म हो गई है, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि इन तीनों कैंडिडेट्स को या जो कॉन्सेंसस कैंडिडेट हो लेके आना चाहिए, नेहरू परिवार से कोई आदमी नहीं होना चाहिए। और बल्कि मैं ये तो आपको कहूँगा आपके माध्यम से कि इस बार जो है अपोजिशन जितने भी जो मुतहद हो रहे हैं उनको चाहिए कि एससी एसटी का ये कहें कि जो भी होगा इस बार प्राइम मिनिस्टर होगा वो हमारे एससी एसटी से होगा। देखिए क्या बात बनती है। बल्कि दिगर स्टेट्स में जो अभी 5 स्टेट्स में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी डिक्लेयर करना चाहिए कि हमें जो है वहाँ के जो मेजॉरिटी जो है ट्राइबल्स हैं या एससी है उसके बीच में होना चाहिए। और उसके साथ साथ में या ऐसा कॉन्सेंसस कैंडिडेट होना चाहिए जो बड़ा है, जैसे सिद्धारमैया साहब ने आते ही बहुत से अच्छे काम करके दिखा दिए, बहुत से अच्छे डिसीजन लिए, वैसे मतलब जहरियत का आदमी को जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। अपोजिशन सत्ता में आती है तो क्या करना चाहिए? देखिए अपोजिशन सत्ता में जो आती है तो क्या हमें इसके बारे में कुछ नहीं करना, ये तो उन लोगों को सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन जो कॉमन इश्यूज हैं, पहली बात को जितने भी इन्होंने गलत काम किए, जितने भी स्कैंडल किए, चाहे रफाइल का मामला आया हो, चाहे उसके साथ साथ में ये जिस तरह से उन्होंने क्रश किया है ह्यूमन राइट्स को, क्रश किया है तमाम मीडिया को, उन्होंने क्रश किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, क्रश किया है, इसको सबको अनडू करना पड़ेगा। इस पर बड़ा दिल करके होना चाहिए। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कोई बड़े बड़े स्कैंडल नहीं कि इन्होंने बहुत से घपले किए, तमाम जो है हमारे रेलवे को भेज दिया, एयरपोर्ट को भेज दिया, अदानी अंबानी को दे दिया, तो उसको इनको अनडू करना चाहिए। उसके साथ साथ मैं नटशेल में बात कर रहा हूँ, देखिए आज के डेट में जो बता रहा हूँ वो बात करना चाहता हूँ कि आज जो है कास्ट कॉन्सेंसस की बात होनी चाहिए। जब जानवर की गिनती हो सकती है तो भाई आदमियों की गणना क्यों नहीं सकती। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट उभर के आ रही है, तमाम पूरे भारत में ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले था 204 से पहले उसको जारी करना चाहिए। तबाह तो तबाही तभी मत गई। आज देखिए कि जुडिशरी से लेकर और पार्लियामेंट्रियन सिटी रजिस्ट्रेशन से उनके पास है, तो जो 30 साल 35 साल नौकरी करता है तो उसको पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए। आज एक जो है बविला इन्होंने खड़ा कर रखा है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये बता दूं कि ये लग रहा है कि मुस्लिम को हिट कर, मुस्लिम को कभी किसी तरह हिट नहीं करेगा। यह एससी एसटी दलित को भी क्रश करने के लिए उनके तमाम हकूक को उसने कर देगा, मतलब उनको निकाल के ये तमाम जो है पूंजीवादी मनवादियों को चला जाएगा, जंगल जन जमीन उनके हाथ से निकल जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके साथ साथ तमाम जो सेकुलर पार्टियाँ हैं उनको चाहिए कि हमारे बीच में, यानी जो सेकुलर पार्टियों के बीच में जो मनवादी पूंजीवादी जो जहदत के लोग रखते हैं, ऐसे अनासिर हैं, ऐसे तत्व हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। और ऐसे तत्व जो आते हैं जो खासकर कांग्रेस में अक्सर देखा है कि इलेक्शन के वक्त में जो है तमाम जो है ऐसे मनवादी पुजवादी तत्व तो जिनकी जहरियत मानसिकता जो है मनवादी पुजवादी उनको वो ले लेते हैं और तिबकर पार्टियां भी लेती हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए और हर वो काम करना चाहिए जिससे संविधान को बचाया जा सके। और यही नहीं, मैं बताऊँ आपको कि जो भी सेकुलर पार्टियां हैं जब कभी स्टेट में चुनाव होता है तो इसमें माइनॉरिटीज के साथ बहुत तायसाफी हो रही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन आबादी के तनाव से उनको टिकट देना चाहिए। अब यहीं पे देख लीजिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में हो रहा है। मैं समझता हूं कि आबादी के तनाव से कांग्रेस उनको टिकट नहीं देगी, और जब नहीं देगी तो ये यही वजह है कि AIM टाइप के लोग, BSP टाइप के लोग और छोटी मोटी पार्टियां बना लेते हैं और वोट का काटने का काम करते, वोटों कटवा हो जाते हैं। और आज जो है बीजेपी ने क्या किया, पसमांदा की फिक्र कर रही है। लेकिन पसमांदा की फिक्र कर रही है तो एक तरह से फर्दर डिवीजन करने की बात कर रही है, जो अभी यूपी के अंदर हुआ। भाई अगर पसमांदा से मुसलमानों से अगर बीजेपी को इतनी हमदर्दी है तो मैं समझता हूं कि इनको चाहिए कि 8 अगस्त 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उनको ख़त्म करना चाहिए। रिजर्वेशन खुल के क्यों नहीं देती है, उसकी बात क्यों नहीं करती है, वो नहीं कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो मुसलमानों से, खास करके मुसलमानों क्रिश्चियन से उनको साफ उनको नफरत है, तसवाना रवैया है। और यही नहीं, क्रिश्चियन के साथ में आप उठा के देख लीजिए किस तरह से क्रिश्चियन के साथ में हुआ है। और अभी जितने भी इन्होंने पिछले 3 साल के लिए या पिछले 5 साल जो टेनोर रहा है, अब 6 महीना बच गया है, जितने जुल्म जाती एससी एसटी के साथ में, ओबीसी के साथ में और माइनॉरिटीज के साथ में हुआ है, क्रिश्चियन के साथ में, शायद ही किसी के साथ में हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूँ तमाम सेकुलर पार्टियों को जो है अपने मनवादी पूंजवादी तत्वों को एंट्री बंद करें और उनको बाहर निकाल के करें। और कांग्रेस को कुल मिला के जो है एक जो है कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए तमाम पार्टियों को, जिससे कि समाज के बीच में समरसता बन सके। और ये भी इनको देखना चाहिए कि सरकार जो है किस तरह से गवर्नमेंटल मशीनरी को, खास कर ईडी को, NIA को, CBI को किस तरह इस्तेमाल कर रही है। इनके पास में तमाम रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और प्रेजेंट ब्यूरोक्रेट्स जो है बीजेपी के रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं,
उनको चेकमेट करने के लिए इनके पास कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लान होना चाहिए ताकि इन पे भी अंकुश लगाया जा सके। तमाम गवर्नमेंटल मशीनरी जो है, अच्छा जो एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ मैं जकरिया साहब और जावेद साहब इसरा साहब, वो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि देखिएगा इस कन्क्लेव के बाद ऐसे तमाम लीडर्स जो अपोजिशन लीडर जो इसमें पार्टिसिपेट करने जाते जा रहे हैं, हो सकता है कि ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई और उसके साथ साथ एनआईए की कार्रवाई करके इनको अंदर जेल भरने का काम किया जाए। और इस पर जैसे कि खास कर जैसे बहुत ही वोकल हैं केजरीवाल, बहुत वोकल हैं तेजस्वी, वोकल हैं ममता बनर्जी, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और अगर बीएसपी अगर ईमानदार है तो उसे खुल के आती है तो उसको भी शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे। बीजेपी जो है तमाम गवर्नमेंटल मशीनरी खास के ईडी को, सीबीआई को, एनआईए को इस्तेमाल करेगी और कर भी रही है, तो इससे बचने के लिए करना चाहिए क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है जो सत्ता में बैठे उनके साथ, चाहे एक्स ब्यूरोक्रेट्स हो चाहे सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हो, बीजेपी का साथ दे रहे हैं। उनको एज पर लॉ, एज पर रूल्स काम न करके ये लोग क्या कर रहे हैं कि वो कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हो गई है। कुल मिलाकर आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि इनको अपोजिशन को एक कॉमन एजेंडा जिस पर सबका कॉन्सेंसस हो, जिस पर खास करके इनको अपोजिशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड की अपोजिशन,